ब्रॉट यू बाय माय बिल बुक। पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा, माय बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माय बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। निर्णायक मोड़ पर आ चुकी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज कई तरह के विवादों से घिरी रही है। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन भी आलोचना का पात्र बने हैं। टिम पेन अपनी स्लेजिंग को लेकर और पिच से छेड़छाड़ी कर कहीं ना कहीं आरोप लगा है स्टीव स्मिथ पर। हालांकि कोई आईसीसी की तरफ से कोई आरोप नहीं लगाया उन पर, लेकिन वो उनकी आलोचना जरूर हुई जो वो कर रहे थे, जो वो ऋषभ पंत के बैटिंग के टाइम पर जब वो अपने गार्ड मार्क्स उन्होंने हटाने की कथित तौर पर कोशिश करी, वो आलोचना का निंदा का पात्र बने हुए हैं। अभी सबको लेकर ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तमाम आरोपों को और तमाम निंदा जो भी उनकी हो रही है, जो भी बयान आ रहे हैं बड़े बड़े दिग्गजों के इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ, उनको बकवास कहा है। स्टीव स्मिथ को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में कैमरे पर ऋषभ पंत का गार्ड मिटाते हुए देखा गया था, जिसके बाद ट्विटर पर उन्हें लोगों ने धोखेबाज तक कह डाला। बॉल टैंपरिंग विवाद में एक साल का प्रतिबंध झेल चुके स्मिथ को ऐसा करते देख तमाम पूर्व क्रिकेटरों ने भी अपनी राय रखी। वहीं विकेट कीपिंग कर रहे कप्तान टिम पेन ने भी अश्विन को स्लेज करने की कोशिश करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिनको लेकर उनकी आलोचना हो रही है। उनमें से एक इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी देते हुए ट्वीट किया और कहा कि बॉल टैंपरिंग विवाद के बाद से टिम पेन ने भी नकारात्मकता की सीमा नहीं लांघी, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया वो बहुत ही खराब था। इसको लेकर लैंगर ने कहा कि नकारात्मकता की हद खुद वॉन पार कर रहे हैं। लैंगर ने ये तक कहा कि माइकल वॉन अपना गुजारा ही ऐसे बयानों से करते हैं। स्मिथ का भी बचाव करते हुए लैंगर ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी और वो अटपटी चीजें करते रहते हैं। लैंगर ने कहा कि स्मिथ के बारे में जो बातें हो रही हैं वो सरासर बकवास है। तो अब चौथा टेस्ट मैच होने वाला है ब्रिस्बेन में गाबा में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहतरीन है, उनको हराना यहां पर नामुमकिन माना जाता है। और बात करें अगर भारत की, तो इतिहास रचने की लगता है उनको आदत पड़ ही चुकी है। अगर आप मेलबर्न में देखें, सिडनी में देखें, उन्होंने कहीं ना कहीं टर्न अराउंड जिसे कहते हैं उलट फेर करने की कोशिश की है। और जिस भी तरीके के उन पर दबाव हो, चाहे वो शारीरिक दबाव हो चाहे वो मानसिक दबाव हो, उन सबको झेलते हुए, उन सबसे जूझते हुए, उन सबसे लड़ते हुए भारत ने अभी तक इस सीरीज में अपने चांसेस बनाकर रखे हैं। और अब देखना और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा कि किस तरीके के और पैतरे अब ऑस्ट्रेलियाई टीम, मेज़बान टीम फेंकेगी और किस तरीके का जवाब देगी भारतीय क्रिकेट टीम।